हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एम सी क्यू क्वेश्चन। रोटरी कंप्रेसर इज द बेस्ट सुटेड फॉर ऑप्शन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, बी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एट हाई प्रेशर एयर, सी स्मॉल क्वांटिटी एट लो प्रेशर एयर एंड डी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर। रोटरी कंप्रेसर इनमें से किसके लिए सुटेबल है? इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले देखते हैं कि कंप्रेसर जो है वह क्या होता है। ठीक है, कंप्रेसर जो है उसी का टाइप है वह रोटरी कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर उसे कहते हैं जो गैस को कंप्रेस करता है प्रेशर को इंक्रीज करते हुए। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करते हुए एंड डेंसिटी को इंक्रीज करते हुए वह गैस को कंप्रेस करता है। ए गैस कंप्रेसर इज ए डिवाइस इन विच वर्क इज डन ऑन द गैस टू रेज इट्स प्रेशर विथ एन एप्रिशिएबल इंक्रीज इन इट्स डेंसिटी, उसे हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, ए गैस कंप्रेसर इज ए डिवाइस इन विच वर्क इज डन ऑन द गैस टू रेज इट्स प्रेशर विथ एन एप्रिशिएबल इंक्रीज इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करते हुए। ठीक है, तो उसे हम लोग गैस कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, अब जो कंप्रेसर का टाइप है रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, तो रोटरी कंप्रेसर किसके लिए सुटेबल है, उसके क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो रोटरी कंप्रेसर जो क्या होता है वो किन किन टर्म के लिए सुटेबल है? ठीक है, तो सुटेबल जिन जिन टर्म के लिए रोटरी कंप्रेसर उसका डिस्कस करते हैं हम। सुटेड फॉर रोटरी कंप्रेसर, यह सुटेबल है फॉर, इसका ऑपरेशनल स्पीड हाई होता है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर का ऑपरेशनल स्पीड हाई होता है, हाई ऑपरेशनल स्पीड। नेक्स्ट है, यह वाइब्रेशन लेस करता है। ठीक है, लेस वाइब्रेशन कंप्रेसर है तो लेस वाइब्रेशन। नेक्स्ट है, इसका लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल होता है, सिंपल लुब्रिकेशन सिस्टम, रोटरी कंप्रेसर का लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल होता है। ठीक है, इसमें जो क्वालिटी ऑफ गैस डिलीवर्ड होता है वह होता है क्लीन गैस सप्लाई। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गैस डिलीवर्ड इसमें होता है वह क्लीन गैस सप्लाई होता है, क्लीन गैस सप्लाई। साइज इसका स्मॉल होता है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्मॉल साइज कंप्रेसर। नेक्स्ट है, डिलीवरी प्रेशर इसका जो है बिलो 10 बार होता है, यानी कि प्रेशर इसका लो होता है। देखिए ऑप्शन में जिक्र किया गया है लो प्रेशर का, तो इसमें से एक पॉइंट आपको मिल जा रहा है कि इसका जो प्रेशर है वह लो होता है। डिलीवरी प्रेशर बिलो 10 बार, 10 बार से बिलो होता है। और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, इसमें रोटरी कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है वह आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार इसके कुछ टर्म्स देख लिया हमने रोटरी कंप्रेसर के। ठीक है, अब जो फाइनली जो होता है रोटरी कंप्रेसर वह किस टाइप के वर्क में यूज किया जाता है? रोटरी कंप्रेसर आर यूज्ड वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर और गैस आर नीडेड एट रिलेटिवली लो प्रेशर। ठीक है, जहाँ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जो एट लो प्रेशर पे रोटरी कंप्रेसर यूज किया जाता है। रोटरी कंप्रेसर आर यूज्ड वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर और गैस आर नीडेड एट रिलेटिवली लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर यानी कि बिलो 10 बार आप डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर, जो ऑप्शन डी में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर फॉर रोटरी कंप्रेसर के लिए।
रोटरी कंप्रेसर इज द बेस्ट सुटेड फॉर ऑप्शन डी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई 2015 में और ये क्वेश्चन है फ्लूड मैकेनिक्स से। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा गया था ये। तो हमारा आज का ये क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।